हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों की रेडी कराए हैं, जो कि आप सभी कन्या राशि के लोगों को जानकों को बताना चाहेंगे कि आज का दिन का समय कैसा रहेगा और आपके जीवन में किस प्रकार बहुत बड़े बदलाव होंगे, तो कुछ बड़े घटनाएँ जीवन पर होने के चांसेस बनेंगे, तो कुछ लाभकारी परियोजनाओं का निर्माण करने की स्थिति जीवन पर बनाई जा रही है और बनाई जा सकती हैं, तो कुछ बड़े घटनाएं, तो कुछ बड़े चमत्कार, तो कुछ चीज़ों को लेकर मन में शांति और विनम्रताओं का एहसास, हर एक चीज़ आपके मन मुताबिक चलाना और चलना और आपके जीवन के लिए किस प्रकार से संक्रांतमक परिवर्तन को देने की स्थिति जीवन पर बना रहा है। और आज आप सभी के लोगों को बताएंगे कि आज का दिन का समय किस प्रकार से बेहद दृढ़ होने वाला है और आप सभी के लोगों की जातकों के दैनिक राशिफल, दैनिक पंचांग और दैनिक दिनचर्या के अनुसार से बेहद दृढ़ की स्थितियों का निर्माण करने वाली है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को आप लाइक करें, माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत बड़े बदलाव करने की स्थिति बनाएंगे और आप सभी कन्या राशि के लोगों के जीवन में धन धान्य की वृद्धि होंगी, भूमि भवन मकान की प्राप्ति होंगी, उत्तम ग्रह स्थिति बन चुकी है, समय का उचित सदुपयोग करना होगा तथा खुद के व्यक्तिगत को अधिक से अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। नज़दीकी संबंधियों के साथ आपसे विचारों का कई समस्याओं को सुलझाएगा। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई भी खुशखबरी मिल सकती है। खुद को व्यस्त रखें तथा फालतू की गतिविधियों में अपना ध्यान ना दें। आपके ईगो गुस्से की वजह से थोड़ा सा माहौल व्यस्त हो सकता है। अपने ऊपर उतनी ही जिम्मेदारियाँ लें जितना कि आप निभा सकें। वरिष्ठ लोग कहीं ना कहीं आपसी आवाजाही से परहेज रखेंगे। कारोबारी मामलों में लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। एक्टिव बने रहें। फोन के द्वारा अथवा मीटिंग में महत्वपूर्ण विषयों पर संक्रांतमक चर्चा होंगे, जो कि फायदेमंद होने वाली है। नौकरी पैसा वाले लोगों को आज के दिन ऑफिशियल कार्य कर सकते हैं। घर परिवार में सुख शांति का माहौल हो सकता है। विवाह योग्य लोगों के लिए उचित रिश्ता आ सकता है। वर्तमान वातावरण की वजह से जो है फंगस या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती हैं। स्त्री वर्ग अपने विषयों का ध्यान जरूर रखेंगे और आज कुछ बढ़िया कार्य को करने के मौके बनाएंगे और आप सभी कन्या राशि के लोगों के जीवन में व्यक्तिगत मामलों में काफ़ी बड़े बदलाव होंगे। जोड़ा कोई भी रुका हुआ कार्य संपन्न हो जाने से आपको सुकून मिलेगा, व्यक्तिगत भी निखरेगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिलने में घर का उत्सव का माहौल होगा। कोई भी निर्णय को दिल के बजाय दिमाग से लेना है। कुछ लोग आपकी भावनाओं का नजायज फायदा उठा सकते हैं और फाइनेंस संबंधित कोई भी दिक्कत बढ़ सकती हैं। विद्यार्थी अपने युवा वर्ग अपने करियर तथा पढ़ाई को लेकर भी सहज रहेंगे, अन्यथा आपकी मान सम्मान पर आ जा सकती हैं। व्यावसायिक परिस्थितियां अभी सामान्य रहने वाली हैं। किसी भी प्रचलित व्यक्ति के माध्यम से कोई भी ऑर्डर आपको मिल सकता है, परंतु व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं में आगे बढ़ने के लिए आपको अधिक मेहनत की जरूरत रहेगी। नौकरी में मनचाही जिम्मेदारियाँ मिलेंगी। घर में कोई भी नवीन वस्तु की खरीदारी से प्रसन्नता का माहौल होगा। प्रेम संसंगों में मर्यादा का और संयमित रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लापरवाही में ना लें तथा कोई भी समस्या होने पर तुरंत इलाज करें। नियमित योग और व्यायाम करना जरूरी होगा और आज आप लोगों के जीवन में अपने प्रयत्नों से परिस्थितियों को पक्ष में करना आपके जीवन में लिए संभव हो सकता है। जीवन में संतुलन बनाए रखें। परिवार से जुड़ी अधिक अन्य बातों पर ध्यान देने की परिवार के लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अपने कर्तव्य निभाते समय नियमों का ध्यान रखने की जरूरत रहेंगे और आज केरल में नई शुरुआत हो सकती है। फिलहाल किसी भी वेले व्यक्ति काम में बदलाव करने की कोशिश न करें। पार्टनर्स के द्वारा बोली गई बातों की वजह से अपनी गलतियों का एहसास होगा। थायराइड से संबंधित तकलीफें हो सकती हैं। बिजनेस के क्षेत्रों में आपको खुशियां मिल सकती हैं। तमाम परेशानियों का निदान हो सकता है। जो भी कार्य का करना चाहें आप समय के साथ कीजिए। आपको कोई भी रोक टोक की स्थिति जीवन पर आपको नहीं बनेगी और आप लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा और आपका दिन सुपर बेहतर कार्य हो। जय बाबन दबाश नहीं, जय